हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा मेरी माँ की रेसिपी से। और आज मैं बनाने वाली हूँ, ये देखिए, आंवला के अचार। तो ये मैं चटपटा अचार बना रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और आंवला बहुत ही शरीर के लिए अच्छा भी रहता है। तो आंवला में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसे अगर उबाल भी लीजिएगा तो भी इसके गुण कम नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, इसके लिए ये सामग्री हमें चाहिए। और हमने लिया है 750 ग्राम आंवला। तो इसे मैं अच्छा से धो ली हूँ। इसके बाद हम इसे उबालेंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, हमने पानी लिया है टोपिया में, तो मैं टोपिया में उबाल रही हूँ। अगर आपको कुकर का अंदाज है तो आप कुकर में उबालिएगा। तो कुकर में सिर्फ एक सीटी ही लगाइएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम टोपिया में पानी डाल देंगे और साथ में आंवला भी डाल देंगे और इसे गैस में चढ़ा करके 10 मिनट के लिए उबालेंगे। बीच में हमने चेक किया था तो आंवला इस तरह से फटा फटा नज़र आएगा। तो समझिएगा आपका आंवला बनके तैयार हो चुका है, बॉयल हो चुका है। तो मैंने इसे निकाल के छन्ना में रख दिया है पानी गिरने के लिए। तो कोई भी अचार बनाइएगा दोस्तों तो एकदम पानी नहीं रहना चाहिए उसमें। तो सबसे पहले हम आंवला को इस तरह से जो फटा फटा है इसे इजीली तोड़ लेंगे। ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसमें आपको चाकू का नहीं पड़ेगा आवश्यकता। तो इस तरह से हम बीजा अलग कर देंगे और आंवला का फाड़ा को अलग करके रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे आंवले को अलग करके रख देंगे और फिर इसे हम एक बेला धूप में दिखाएंगे। तो मैं ये सुबह कर रही हूँ, सुबह के 10 बज रहे हैं अभी। तो मैं इसे जल्दी जल्दी करके धूप में रख दूंगी क्योंकि धूप अभी बहुत अच्छा कड़ा धूप हो रहा है दोस्तों। तो धूप में बहुत अच्छा से ये आंवला ये हमारा अच्छा से सूख जाएगा। तो ये मैं बीजा हटा देती हूँ, इसे मैं धूप में रख देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कड़ा धूप है ये। तो आप भी बनाइए दोस्तों, आंवले के अचार बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो हमने 2 चम्मच लिया है मंगरेला अजवाइन। तो इसे हमें भूनेंगे लेकिन पीसेंगे नहीं, क्योंकि अचार में मंगरेला अजवाइन पीस के डालिएगा तो आपका अचार जितना भी आप हल्दी दीजिएगा लेकिन आपका अचार काला बनेगा। इसलिए मंगरेला अजवाइन को कभी भी पीस के मत डालिएगा अचार में। तो मैंने इसे भून के निकाल लिया है। अब मैं डाल रही हूँ पीला सरसों, 3 चम्मच है बड़ा चम्मच से। इसके बाद मैं दे रही हूँ 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच भूखा धनिया और मेथी इसमें कम देंगे, यानी कि 1 चम्मच हमने मेथी दिया है। तो इसे हम अच्छा से भून लेंगे। ये देखिए बस यही मसाला इसमें लगता है। ये देखिए मैं हमेशा यही मसाला अचार आम के अचार में भी डालती हूँ। तो ये देखिए हमारा मसाला भुना चुका है ये और ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इसे जार में डाल करके इसका दरदरा पाउडर बना लूँगी। ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ, ये पूरा दरदरा है ताकि अचार जब खाइएगा आप तो मुंह में इसके स्वाद आएंगे। तो मैं इसे एक बाउल में निकाल ली और मैंने 3 चम्मच लिए हैं लाल मिर्च भुका हुआ है, 1.5 चम्मच हल्दी। थोड़ा तीखा अचार अच्छा लगता है दोस्तों। और फिर हम इसमें डाल देंगे मंगरेला अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो मंगरेला अजवाइन को हमने देखिए गोटा ही डाला है, इसे भून के सिर्फ डाले हैं ताकि इसका स्वाद रहे। और इसे मिला लेंगे हम। अब मिला लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो मैं जब भी बनाती हूँ कोई भी अचार तो सरसों का तेल ही देती हूँ। साथ में मैं इसे उबाल के यानी कि गरम करके नहीं डालती हूँ तेल को, मैं हमेशा कच्चा ही तेल देती हूँ। कच्चा तेल देने के बाद यही फायदा है दोस्तों कि इसे हम धूप में पकाएंगे तो हमारा तेल पक भी जाएगा और बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए हमने एक बेला धूप में रखा था, हमारे आंवले अचार अच्छे से सूख गए हैं ये। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके और इसे चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। तो इस तरह से मैं सारे आंवले इसमें डाल दूँगी और इसे फिर मिला लूँगी मैं। तो अभी तो ये शाम हो चुका है तो मैं इसे मिला करके घर में ही रख दे रही हूँ, कल सुबह मैं इसे धूप में दे दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मिला लीजिएगा तो आपका अचार बनके तैयार हो गया है। ऐसे भी अभी खाइएगा तो आपको ख़राब नहीं लगेगा, अच्छा ही लगता है ये, क्योंकि हमारा अचार आंवला पूरा बॉयल किया हुआ है, मसाला भी भुना हुआ है। तो ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो अब मैं इसे धूप में रख दी हूँ, सुबह के धूप है ये, सुबह के 7 बज रहे हैं अभी। मैं टाइम भी आपको बता दी हूँ दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरह से मैं आंवले को एक दिन तक मैं इसे धूप में पकाऊँगी ताकि कटोरा में मतलब अच्छा से ये पक जाए। उसके बाद मैं नीचे ले आई, शाम का टाइम हो चुका है, अब मैं इसे नीचे ले आई हूँ। हमारा अचार पक गया है, अब मैं इसे रोटी के साथ खा सकती हूँ।
तो इसे मैं ज़्यादा दिन तक चलने के लिए मैं इसे एक शीशे के जार में डाल रही हूँ, ताकि देखिए शीशा का जार हमारा पूरा सूखा हुआ है, एकदम पानी नहीं है इसमें, तो पानी रहने से अचार ख़राब हो जाता है कोई भी अचार। तो इस तरह से हम अचार को इसमें से डाल देंगे और इसे आप जब भी खाइए और धूप में भी रखिए तो आपके अचार ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों ये हमारा आंवला अचार बन के तैयार हो चुका है, हमारा तो अचार बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। और अब मैं बताने वाली हूँ टिप्स के बारे में, तो आज मैं स्किन केयर के बारे में बताऊँगी। तो ये देखिए, अब सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा चेहरा ड्राई हो जाता है, यानी कि सूखा सूखा लगता है, बच्चों लोगों को भी लगता है। और बच्चों लोगों को बोर्डिंग लगाइएगा तो लगाने नहीं खोजता, क्योंकि लगाने से चेहरा बहुत चिपचिपा होता है, चिपचिपा रहने से फेस में धूल जम जाने से स्किन बहुत ख़राब हो जाते हैं, यानी कि पिम्पल्स भी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो आप एक काम कीजिए, ये देखिए हमने लिया है बोरोलिन, तो मैं इसे बहुत यूज कर चुकी हूँ, ये देखिए कितना ख़त्म भी हो चुका है। तो इसे यूज कैसे करना है मैं बताऊँगी। पहले तो हमने लिया है पतंजलि का एलोवेरा, तो बस इसमें हम थोड़ा सा ले लेंगे बोरोलिन, जितना आप लगाते उतना ही ले लीजिएगा। ये देखिए इतना हमने लिया है, साथ में हम ले लेंगे एलोवेरा, तो इस तरह से हम ले लेंगे और इसे हम मिला लेंगे अच्छा से। ये देखिए इस तरह से मिला लीजिएगा आप, और ये बहुत क्रीमी जैसा हो जाता है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा क्रीमी हो चुका है, ये क्रीम जैसा ही लग रहा है देखने में। बस इसे आप हाथों में, पैरों में या फेस में कहीं भी लगाइएगा तो आपका चेहरा या हाथ पर एकदम चिपचिपा नहीं रहेगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, क्रीम जैसा लगाते हैं ना वैसा ही लगेगा। लेकिन ये देखिए कितना ग्लो कर रहा है, तो इसे लगाने से चेहरा ग्लो भी करता है एलोवेरा के चलते, और बोर्डिन से आपका चेहरा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो इसे ओठ पे, फेस पे कहीं भी लगाइए तो आपका एकदम चिपचिपा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं हमेशा बच्चों को लगाती हूँ। अगर आपको ये मेरी टिप्स या रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन जे बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।